हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। दोस्तों, चेहरे से ब्लैक हेड एंड वाइट हेड दूर करने का बहुत ही बेहतरीन नुस्खा, आज जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रही हूँ वो इतना इफेक्टिव और 100% वर्किंग है कि आपके चेहरे से ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स को पूरी तरीके से दूर कर देगा और आपको एक बिल्कुल कोमल और बेबी सॉफ्ट स्किन जो है देखने को मिलेगी। बट आपको उसी तरह करना है जिस तरीके से मैं आपको करके बताने वाली हूँ, जिससे आप अपने चेहरे से व्हाइट हेड ब्लैक हेड को पूरी तरीके से दूर करके एक कोमल और बेबी सॉफ्ट स्किन पा पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि उसे प्रेस करने के बाद मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर लेनी है कोलगेट। कोलगेट आप किसी भी मार्केट से ले सकते हैं, कहीं से भी परचेस कर सकते हैं। छोटे से लेके बड़ा पाउच तक आता है कोलगेट। तो आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सफ़ेद कोलगेट का ही इस्तेमाल करना है। यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह एडेड होने वाला टूथपेस्ट आपको यूज़ नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पे एक चम्मच जितना कोलगेट निकाल रही हूँ एक बाउल में। तो आपको भी बिल्कुल उसी तरह करनी है, एक क्लीन बाउल लेनी है, उसमें आपको एक चम्मच जितना कोलगेट ले लेनी है। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं नमक। नमक यानी कि सल्ट। आपको यहाँ पे सफ़ेद नमक का इस्तेमाल करना है। सफ़ेद नमक के इस्तेमाल इसलिए करना है क्योंकि ये जो सफ़ेद नमक होता है इससे क्या होगा ना दोस्तों, आपकी स्किन को अच्छी तरीके से ये स्क्रब करेगा और जिससे आपको जो रिज़ल्ट है वो ज़्यादा फास्ट देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिज़ल्ट देगा। तो इन दोनों को अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेनी है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल टाइट सा कंसिस्टेंसी बना है, तो आपको इसको रनी नहीं बनाना है क्योंकि इसको हम स्क्रब करने वाले हैं। स्क्रब जो होगा रनी हो जाएगा तो अच्छे से नहीं हो पाएगा। आप सबको पता ही है, कहीं ना कहीं आप लोग स्क्रब वगैरह का भी यूज़ करते ही हैं, बट ये जो है ये हमारे ब्लैक हेड व्हाइट हेड के लिए है, इसीलिए ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है और बहुत ही अलग है। इसको जब आप अपने ब्लैक हेड व्हाइट हेड के ऊपर लगाएंगे और रब करेंगे तो आप देखेंगे आपके जो ब्लैक हेड व्हाइट हेड प्रॉब्लम्स हैं वो चले जाएंगे, आपकी स्किन बिल्कुल अंदर से क्लीन लगेगा। तो मिक्स हो जाने के बाद आप देख सकते हैं किस तरीके का बना है। तो आपको यहाँ पर लेनी है एक टूथब्रश, एक क्लीन सा टूथब्रश आपको लेनी है और उसके बाद आपको इस ब्रश में उस कोलगेट को लगा कर, कोलगेट और नमक को लगा कर आपको उसी एरिया में रब करना है जहाँ पे आपको ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स की प्रॉब्लम्स है। नोज़ में होता है ब्लैक हेड व्हाइट हेड, उसके साइड साइड में होता है, कुछ लोगों को तो चीन में भी होता है, तो वहाँ पे भी आपको इसको जेंटली रब करनी है। बहुत ही ज़्यादा आपको घिसना नहीं है, जेंटली आपको रब करनी है। और जब आप इसको अप्लाई करें उसके थोड़ी देर पहले आपको अपने ब्लैक हेड और व्हाइट हेड एरिया को गर्म पानी से, नॉर्मल वार्म वाटर से पहले धो लेनी है। उसके बाद इस मिक्सचर को लगाकर आपको रब करनी है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको धीरे 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 करके रब करनी है। बहुत ही हार्डली आपको रब नहीं करनी है, नहीं तो स्किन ख़राब हो सकता है। तो आपको बिल्कुल उसी तरह करनी है और 5 से 7 मिनट तक उसको अपने स्किन में ड्राई होने के लिए छोड़ देनी है और उसके बाद आपको वार्म वाटर से इसको धो लेनी है। तो इसी तरीके से रब करने से क्या होगा, ये आपके ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड को बिल्कुल अच्छे से रिमूव करेगा, अंदर से क्लीन करेगा, साथ ही साथ आपकी स्किन से किसी भी तरह के डर्ट पोल्यूशन कुछ भी होगा उसे रिमूव करेगा और आपकी स्किन में जो ओपन पोर्स हैं उसे भी धीरे धीरे बंद करने में मदद करेगा, जिससे आपकी स्किन पूरी तरीके से क्लीन होगी और आपको सॉफ्ट स्किन देखने को मिलेगा। तो गाइस, इसको आपको बिल्कुल उसी तरह अप्लाई करना है और आप इसको हफ्ते में 2 बार ही यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपको इसको यूज़ नहीं करनी है क्योंकि ये एक स्क्रब है और ज़्यादा अगर स्क्रब आप करते हैं तो आपकी स्किन ख़राब होने की चांसेस हो सकती है। और इस रेमेडी को आप इमीडिएटली बनाइए और इमीडिएटली यूज़ करिए, इसको आप स्टोर करके नहीं रख सकते। एक बार ज़रूर अप्लाई करिए, आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। सो आई होप गाइस ये जो वीडियो है ये आप सबको पसंद आया हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। अगर हेल्पफुल हो तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं फिर मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड बाय बाय।